उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले में पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के फरार इनामिया दो गुर्गों पर सीआरपीसी धारा 82 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को एम्बुलेंस मामले में फरार 25,000 रुपए के इनामिया फैरोज खान उर्फ चुन्नू जफर उर्फ चंदा के खिलाफ पुलिस ने सीआरपीसी धारा 82 के तहत न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेजों और पते पर ली गई एम्बुलेंस के मामले में नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमों में 10 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और वारंट बी के तहत आरोपी मुख्तार अंसारी बांधा जेल में निरुद्ध हैं। मुकदमे में फरार चल रहे 25,000 इनामिया अफरोज खान उर्फ चुन्नू जफर उर्फ चंदा जो सदर रोड मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र गाजीपुर जिले के निवासी हैं, धारा 82 के तहत शुरू हुई कार्रवाई के बाद फरार इन वांछितों की कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। धारा 82 की विवेचना में न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए बांधा जेल अधीक्षक और प्रतिसार निरीक्षक, लखनऊ जेल अधीक्षक, पंजाब प्रांत के रोपण जेल अधीक्षक और प्रतिसार निरीक्षक रूपनगर, रोपण के साथ पंजाब से आरोपी मुख्तार अंसारी को पेशी पर ले जाने वाले वाहन और ड्यूटी पर लगे कर्मियों से पुलिस जानकारी एकत्रित करने में जुट गई है। आपको बता दें मुख्तार अंसारी द्वारा इस्तेमाल की जा रही फर्जी एम्बुलेंस UP 41-8-7171 प्रयोग में लाए जाने का मामला सुर्खियों में आने के बाद RTO पंकज सिंह शिकायत पर नगर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में डॉक्टर अलका राय, शेषनाथ राजनाथ यादव, आनंद यादव, अली मोहम्मद जाफरी और शहीद फिरोज कुरैशी, शाहिद सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और न्यायालय से वारंट बी के तहत अभियुक्त मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।